राधे राधे, बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो एक नई सुबह के साथ हम फिर से निकल पड़े मुनस्यारी के कुछ खूबसूरत जगहों के दर्शन करने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं जंगल साइट को, और इस जंगल के बीचों बीच पड़ता है एक बहुत ही प्यारा सा कुंड। यहाँ पर हमें दादा बाइक स्टार्ट करके दे देता है और मैं और भिंजू निकल पड़ते हैं उस कुंड की ओर। तो ये जो कुंड है ये हमारे ही जंगल में पड़ता है, सरमोली में। तो यहाँ पे हम जंगल के रास्ते भी पैदल जा सकते थे, लेकिन हमारे पास बाइक है तो हम आधे रास्ते तक बाइक से जाएंगे। और ये रास्ता होगा हमारा मार्केट का, और हम बाइक से जाएंगे सरमोली बैंड तक, और उसके बाद जाएंगे हम पैदल। तो ये हम पहुंचे मुनस्यारी चौराहे पर। अब यहाँ से हम लेंगे ऊपर का रास्ता, और बस इसी रास्ते में चलते चलते हमारा सरमोली बैंड भी आ जाएगा। और फिर हम पहुंचते हैं मुनस्यारी के स्टेशन में, और यहां से लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ओएस वगैरह। यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं सरमोली बैंड पर, और यहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो यहाँ पे हम अपनी बाइक पार्क करके निकल पड़ते हैं पैदल। मुनस्यारी के जंगलों में पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के पेड़। तो यहाँ पर भी कुंड तक जाने का जो रास्ता था, यहाँ पर बीच बीच में पेड़ों के नाम लिखे गए थे।
कैसे हो? ओ अभी तेरा दांत दिखाएगा। आएगा तो नहीं मार, हमें तो दिखाया भी नहीं है कि इतनी चली। घने जंगलों के बीच बने इस कुंड का नाम है महेश्वर कुंड या महेश्वरी कुंड। तो जो ये महेश्वर कुंड है, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मुझे मेरी बुआ ने और एक दादी ने भी सुनाई थी। तो आज मैं आपको यही स्टोरी सुनाऊंगी। और अभी जो कुंड है वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम है, तब तक मेरी स्टोरी भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वो स्टोरी। तो बहुत समय पहले की बात है, एक गांव हुआ करता था जो अभी भी है। वहां एक परिवार में दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां थी। तो उस गांव की जो सभी लड़कियां होती थी वो अपने अपने गाय को लेकर के, बकरियों को लेकर के यहाँ जंगल में चराने के लिए लेके आया करती थी। तो एक बार इसी तरह रोज की तरह वो लोग अपने गाय बकरियों को चराने के लिए जा रहे थे और यहाँ आ जाते हैं, इस कुंड के आसपास आ जाते हैं। तो उसमें से जो एक परिवार में जो दो बहुत ही सुंदर लड़कियां थी वो भी आई होती हैं। तो सभी अपने अपने गाय बच्चियों को चरा रहे होते हैं। तो इसी बीच वो दो लड़कियां उस कुंड के नजदीक जाती हैं। जब वो उस कुंड के नजदीक जाती हैं तो वहां पे जो महेश्वर कुंड है उसमें महेश्वर देवता वास करते थे। तो वो महेश्वर देवता उन दोनों लड़कियों को देखते हैं और वो उनके उनकी खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो उन दोनों लड़कियों को हर लेते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं। तो इसी तरह शाम हो जाती है। शाम होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने अपने गाय बच्चों को लेके वापस गाँव में जाती हैं तो जिस परिवार की जो दो लड़कियां होती हैं उनके घर वाले उनके पास आते हैं कि हमारे बच्चे तो अभी तक आए नहीं है, वो कहाँ हैं। तो उनमें से जो गए थे गाय चराने के लिए तो वो बोलते हैं कि हमें लगा वो दोनों आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं होता इस बारे में। तो इसी तरह फिर इधर उधर काफी ढूंढते हैं वो लोग की लड़कियां कहाँ गई करके, कुछ पता नहीं है ये वगैरह वगैरह करके काफी पता करते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। तो उसके बाद फिर वो लोग एक पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे पूछ करवाते हैं कि बताइए कि हमारी बेटी कहाँ जो गई होगी, कहाँ होंगी वो करके। तो वो पंडित सब कुछ देख दाख के उन्हें सच बता देता है कि आपकी बेटी को जो ऊपर महेश्वर कुंड है उसके जो महेश्वर देवता हैं उन्होंने हर लिया है और वो अपने साथ उनको ले गए हैं। फिर उसके बाद उनके जो माता पिता होते हैं वो जाते हैं उस महेश्वर कुंड के पास, यहाँ पे आते हैं और यहाँ आकर के महेश्वर कुंड को काफी कुछ सुनाते हैं कि हमें हमारी बेटी वापस चाहिए, बस हो गया, हमें कोई मतलब तुम्हारे साथ नहीं रखना है, बस हमें हमारी बेटी वापस दे दो। वो जो महेश्वर देवता हैं वो उन्हें काफी समझाते हैं कि अब तो मैंने उन्हें हर लिया है और मैंने उनसे शादी कर ली है और वो यहाँ मेरे साथ बहुत खुश भी हैं। और क्या कहते हैं, इसी बीच में क्या कहते हैं उनको जो मायके होता है, मैं मायके भी भेजूंगा, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन वो दोनों मानते नहीं है, उनके मम्मी पापा बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते कि नहीं, हमें हमारी बेटी ही चाहिए। और उस महेश्वर देवता को काफी अनाप शनाप बोल देते हैं, बहुत कुछ गलत बोल देते हैं। तो दोनों में काफी बहस चलती है कि उनके मम्मी पापा बोलते कि दे दो, वो बोलता है कि नहीं अब मैं दे नहीं सकता वगैरह वगैरह। काफी समझाने की कोशिश करते हैं महेश्वर देवता भी, लेकिन घर वाले बिल्कुल नहीं समझते। वो बोलते हैं कि नहीं, हमें तो हमारी बेटी चाहिए तो चाहिए। तो फिर काफी बहस होने के बाद महेश्वर देवता गुस्से में आ जाते हैं। तो गुस्से में आने के बाद वो क्या करते हैं, जो कुंड है उसमें से उनकी जो कंकाल तंत्र होते हैं दोनों लड़कियों की वो बाहर फेंक देते हैं, उनको दे देते हैं और बोलते हैं कि ये ले जाओ। फिर उसके बाद उनके जो मम्मी पापा होते हैं वो एकदम से चौंक जाते हैं कि ये क्या है मतलब करके।
तो इसी के साथ साथ जो महेश्वर देवता होते हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, तो वो उन्हें श्राप भी देते हैं कि आज के बाद अगर आपके यहाँ कोई भी पूरे गांव को श्राप देते हो कि एक घर में केवल एक लड़का होगा, और अगर बाय चांस दो तीन लड़के हो भी गए तो उनमें से कोई किसी को कुछ रोग होगा, कोई किसी ना किसी वजह से मर जाएगा, केवल एक ही लड़का बचा रहेगा। तो ये श्राप वो उन्हें दे देते हैं उस टाइम पे। फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ऐसी होना कि किसी भी घर में क्या कहते हैं एक से ज्यादा लड़के नहीं होते हैं, और कोई होते हैं तो किसी ना किसी वजह से मर जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये लोग यहाँ आकर के महेश्वर कुंड में आकर के हर साल यहाँ पे आकर के वो लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये आज भी करते हैं ये लोग, हर साल ये लोग महेश्वर कुंड आते हैं और वहां आकर के लोग पूजा करते हैं ताकि उनका श्राप टल जाए। तो ये थी यहाँ की स्टोरी, और अब हम महेश्वर कुंड पे लगभग पहुंचने ही वाले हैं। तो जो गांव वाले हैं ना वो आजकल भी यहाँ पे आते हैं, और ये मई के महीने में यहाँ पे एक मेला भी लगता है। और ये थी इसकी स्टोरी, और इसमें कितनी सच्चाई है कितना वो है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यही कहानी बताई है। और गूगल में भी आप सर्च मारोगे तो उसमें भी कुछ ऐसी स्टोरी तो नहीं बताई है, थोड़ी बहुत लेकिन ऐसी स्टोरी है। तो हम फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके हैं इस कुंड पे, और यहाँ पे ये कुंड का पानी ना बहुत सूख चुका है, आजकल बहुत ही कम पानी रहा है इसमें, और इसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और बीच में ये कुंड है। पर ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है ये कुंड। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद हम भी यहाँ पे अगरबत्ती जलाते हैं, और उसके बाद फिर कुछ फोटोज वीडियोस यहाँ पे लेते हैं। फिर हम करते हैं यहाँ से वापसी घर की ओर, और यहाँ पे ये लोग कुछ मछली पालन वगैरह का कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं जंगलात वाले यहाँ पे। तो अच्छे से यहाँ पे पत्थरों की चिनाई की गई है और इसके अंदर भी पानी रोका गया है। पहले कहा जाता था कि ये पूरा जो कुंड है ना अभी तो इतना छोटा सा बचा हुआ है, लेकिन यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ था, काफी आगे तक फैला हुआ था कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे दलदल जैसा बन चुका है, और जो कुंड है वो बस उतना सा ही जितना वहां पे था उतना ही रहा है। ये वाला भी कभी कुंड का भाग हुआ करता था, जो अब दो भागों में बट चुका है, बीच में पूरी दलदल आ चुकी है और यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी ये रह गया है। Thank you.
कुंड के दर्शन करने के बाद बहुत सारी फोटोज वीडियोस लेने के बाद हम सोचते हैं कि हम घर को चले जाएं, लेकिन फिर हम घर को नहीं जाते, हमें याद आता है कि हमने तो कोल्ड ड्रिंक और ओएस भी लिए थे, तो हम यहाँ पे इस बड़े से पत्थर में आकर के बैठ जाते हैं और यहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक और ओएस खाते हैं और कुरकुरे भी खाते हैं, और यहाँ पे कुछ बाहर के लोग आए होते हैं कुंड देखने के लिए, तो जब तक ये लोग कुंड देख के वापसी इनकी नहीं हो जाती है, हम यहीं पर ही बैठे रहते हैं और फिर उसके बाद हम वापस घर की ओर चले जाते हैं। यहाँ पे हम पहुंच गए हैं वापस से सरमोली बैंड पर और यहाँ से हम बाइक पकड़ के चलेंगे घर, लेकिन बाइक में घर जाने से पहले हम यहाँ पे करते हैं एक बदमाशी। यहाँ पे ना पार्किंग की जगह पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और ये गाड़ियाँ उन लोगों की होती है जो वहाँ ऊपर पे कुंड पे हमें दिखाई दिए थे, तो इनकी गाड़ी के पीछे बहुत सारी धूल जमी होती है, तो यहाँ पे हम इन धूलों पे बहुत कुछ लिख देते हैं और बहुत कुछ बना देते हैं। हाँ और फिर हम निकल लेते हैं वापस घर की ओर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।